नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट को नए अंदाज में जल्द ही लॉन्च करने वाला है। नई स्विफ्ट में आपको नए फीचर्स इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी, इंजन में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में हम आपको खास तौर से बताएंगे कि कैसा इंटीरियर और क्या फीचर्स मारुति सुजुकी की नई स्विफ्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का इंटीरियर पूरी तरह से रीडिजाइन होगा। इसमें आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और कनेक्टिविटी के एडवांस फीचर्स को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको अपडेटेड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, रीस्टाइल्ड एसी बेंट, नया सर्कुलर गियर नॉब, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, रेयर एसी बेंट और यूएसबी चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, लार्ज बूट स्पेस, 5 पर्सन की कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, लार्ज डोर पॉकेट्स, बॉटल्स एंड कप होल्डर जैसे फीचर्स मारुति सुजुकी स्विफ्ट के इंटीरियर के कुछ हाइलाइट्स हैं। और यहां मैं आपको बता दूं कि नई स्विफ्ट में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 82 bhp की पावर देगा। ये इंजन पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है और मैनुअल के साथ ये इंजन 25.72 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने वाला है। नई स्विफ्ट पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले 15 मिलीमीटर लंबी, 30 मिलीमीटर ऊंची और 40 मिलीमीटर कम चौड़ी होगी, जबकि इसका व्हील बेस पुराने स्विफ्ट वाला ही आपको मिलेगा। एक्सटीरियर में भी आपको नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नई LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, नई टेल लाइट्स, रिवाइज्ड रियर बम्पर जैसे फीचर्स एक्सटीरियर की कुछ हाइलाइट्स होंगी। सेफ्टी के लिए भी नई स्विफ्ट में आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्टेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप हमें बताएं कि इन नए फीचर्स के साथ मारुति सुजुकी की नई स्विफ्ट को आप खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं। धन्यवाद।